मम्मी मैं क्या बोलूं अच्छी बन गई है मतलब ही अच्छी में नहीं मैं हर साल बना दो उनको हर 6 महीने में मिलने आ जाता हूं मैं अकेला हूं <laughs> हां पिछले साल लेट टाइम पे गोलमाल देखो <laughs> गोलमाल देखो तो मेरे मतलब मतलब बट yeah. कुछ फिल्में होती है सो <laughs> so, मतलब मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस के 4 साल बाद मैं कुछ बनाया ना मैं आ जाता तो हूं बेशर्म की तरह अभी ये देखना है सो आई जस्ट वांट टू से के यू you नो know, कुछ फिल्में है होती हैं जैसे चेन्नई थी या गोलमाल हर साल बना तो इसलिए मैं जेनुअली बाय फ्रॉम माय हार्ट आई एम सेइंग कि कुछ फिल्में होती है ना ऑन पॉइंट बैठती है गोलमाल थ्री थी सिंगम थी चेन्नई एक्सप्रेस थी फॉर दैट मैटर गोलमाल अगेन थी दैट यू नो कि हाँ ये ऑन बीट है फिल्म जो हमने सोचा yes. था वैसी बनी सो सिम्बा इज वन ऑफ दैट फिल्म एंड आई एम नॉट सेंग अरे ये मतलब आप सब देखने आइए देखिए हमने क्या किया है पहली बार ऐसा नहीं फिल्म ना हाई देती है फिल्म मेक्स यू हैप्पी फिल्म मेक्स यू क्राई सो वो है इस फिल्म में बिकॉज अ कमर्शियल फिल्म आई जेनवनली से है ना आई डेंट नो आई एम सो जेनवन टूडे बट ऐसा है मतलब यू विल फील हाई विल वॉन्ट टू क्लैप यू वॉन्ट टू क्राई यू विल क्राई दैट वट वी आ ना आई एम नॉट दैट इट के मुगलियाजम है बट यू नो इट गिव्स यू दैट हाई इट गिव्स यू दैट इमोशनली यू गेट दैट जोल्ड यू वॉन्ट टू क्लैप एंड आई थिंक गर्ल्स विल द फर्स्ट टाइम आई एम सेंग दिस माई फर्स्ट फिल्म लाइक इट लुक्स लाइक बॉल बैठ के एकदम बीच में से लग के बस जा रहा है जा रहे कर रहे और ग्राउंड के बाहर अब <laughs> हमारे बॉलीवुड <laughs> के रोहित ने वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर जो हमारे हैं ये सिम्बा उनका वो बैट के बीच में से निकलने वाला निकलने वो है। है, awesome. एक्चुअली फिल्म, फिल्म पहली बार देखी आई थिंक अब मुझे कुछ कहना ना मुझे तो लगता है अब गलत होगा मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए बस इतना बोलूंगा कोई फ्राइडे को आ रही है और देखने लायक है आप जाना देखने जितने लोगों को ले जा सकते हो ले जाओ फैमिली हाँ फ्रेंड्स फैमिली जितने जितने और लोग होंगे ना आपके ग्रुप में मेरे को लगता है और मज़ा आएगा बिकॉज इट इज़ ट्रूली अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस इट इज़ ट्रूली अ शेयर्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस लोगों के साथ देखो तो और भी मज़ा आता है uh, और जैसा एक्सपीरियंस मेरा कल रात को रहा आई थिंक दैट्स दैट्स अ फर्स्ट फॉर मी आई मैंने भी आठ साल काम किए हैं फिल्में की हैं लेकिन जो कल रात मैंने एक्सपीरियंस का uh, किया उसके लिए मतलब इट्स प्रटी इनडिस्क्राइबेबल कुछ uh, अलग ही अलग ही ट्रिप था तो तो बस अब मैं और कुछ नहीं बोल सकता मुझे तो एक्चुअली हाँ, समझ गए देखने लायक है मैं जितना भी बोलूं कम है बार, बार आप बस जाइए देखने प्लीज जाइए देखने आ, जब फिल्म साइन की बहुत एक्साइटेड था जब शूटिंग शुरू की और भी एक्साइटेड था क्योंकि रोहित भाई के साथ काम करके आई थिंक एक बोलते हैं ना एक ऐसे एनर्जी बूस्टर है कि जब आप आते हो Uh, जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत होती है रोहित भाई वैसे ही पाते आते हो चार्ज हो जाते हो ऐसे एन एक्टर काम करके चले जाते हो फिर फाइनली वो दिन होता है जब पहली दफ़ा फिल्म देखते हो वो कल का दिन था डेढ़ दो बजे जब ख़त्म हुई फिल्म तो वो ऐसा लगा कि जो पिछले पाँच छः महीने हमने बिताए हैं वो right. इतने एंटरटेनिंग थे ऑन सेट्स बट आने वाला जो हफ्ता है जो महीना है आप लोगों के लिए इतना एंटरटेनिंग रहने वाला है दैट वी कैन वॉच फॉर दैट इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट द बिगेस्ट